तो अब बारी है गुट्टू की। अब अचार पापड़ वाले भी हमारे बच्चों के साथ डिबेट करेंगे। निकालो उनको, निकालो, 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 निकालो। बार बार यही सपना मेरी बेटू कहीं मेरे जैसी ना बन जाए, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। ये माँ आज अपनी बेटी के लिए कुछ करके ही दिखाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी माँ ने भी देखा है आपके लिए एक प्यारा सा सपना, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और हाँ, वीडियो एंजॉय करो। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। पढ़ाई लिखाई तो सब ठीक है, लेकिन अंग्रेजी तो कमजोर है गुट्टू की, और आजकल यही सब तो चलता है। ये बात तो बिल्कुल सही कही भाभी आपने, दिखावे की दुनिया है सारी। अरे आजकल सोशल मीडिया पे यही रहता तो फैला रखा है, आगे पीछे सब खोल रखा है, चट्टी बनियान में घूम रहे हैं सबके सब। हमको तो कल डर है कि हम आपको भी कहीं बराबरों में ना घूमना पड़े फैशन पूसन के चक्कर में। हाँ भाभी, जैसा आपको ठीक लगे। चलो चाय आई नहीं पिलाओगी क्या? अदरक डालो थोड़ा, हमारा भी दिमाग चले, है ना? बस एकदम नाक की सीध में जाना है, एकदम नाक की सीध में, एकदम सीधे। बस भैया उल्टे हाथ में ले लेना, आगे से उल्टा हाथ में लेना। क्या हुआ, क्या चाहिए? वो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास दिखता नहीं है? कंसल्टिंग आवर ओनली 11 AM to 1 PM। दिखता तो हमको एकदम चकाचक है। वो बता ना, आंगन के डॉक्टर के पास गए थे, है ना, वो आवक का कुछ दिखा रहे थे, ऐसे ऐसे हमको सब दिख रहा था, बस वो अंग्रेजी में हम थोड़े से पैदल हैं। अरे इंग्लिश में पैदल हो तो यहाँ से नंगे पाँव निकल चलिए। अच्छा, क्लास में नंगे पाँव जाना पड़ते हैं? चलो चलो अभी। अरे नहीं नहीं, क्लास फुल है, नहीं हो सकता। अरे वो थोड़ा ऊपर नीचे कुछ कर लीजिए ना, कुछ बिठाइए, पैसा बहुत है हम पे, पैसे की कोई कमी नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो? ट्राइबनॉल विड्रो टाइटेनियम सच बिजनेस। क्या भाभी, इस तरह तो हम घर पे दाल चावल नहीं बना लेते, कम से कम इतनी बेइज्जती तो ना सहनी पड़ती। ये बेलन चकले के चक्कर में हम तो फंस के पीछे रह गए कविता, लेकिन अब बच्चों के साथ नहीं ऐसा होने देंगे। लगता है अब हमें ही कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगी कविता। सही कह रही हो भाभी जी, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ये क्या बेहूदा गाने में डांस कर रहे तुम लोग? हैं? ज्यादा ही जवानी सूझ रही है तुम लोगों को? दूध के दांत टूटे नहीं है और ज्यादा ही मस्ती आना, एक तो लगवा ही ना, ठीक हो जाओगी। Too much violence. Hallelujah. Here she comes, Mrs. Blah blah. Now the drama begins. गुट्टू, मैं कही दे रही हूँ, तुमको ना सिर्फ अंग्रेजी गाना सुनना चाहिए। रुको, मैं लगा के देती हूँ। Oh my sexy booty. अभी ये क्या लगा दिया? आज मम्मी ने तो इंग्लिश के नाम पर पूरा पोपट कराना है। आहा, क्या गाना है, क्या वाणी है, ऐसा लग रहा है स्वयं माता श्री भजन सुना रही हो। हाँ जी जी, खेती बाड़ी में तो अब इसी गाने पे डांस होगा, है ना? गुट्टू तेरा तो पोपट हो गया, योर मॉम इज सो फनी। जेस की बच्ची पता नहीं कहाँ बोलती रहती है अंग्रेजी में, बड़बड़ 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 है, पर जो भी बोलती है बड़ा अच्छा लगता है कानों में।
किट किट किट। अरे हम भी खा लेंगे, ये रखा है। Lunes, yo me llamo Tarzán y la gente me dice, ¿cómo es? El rey de la selva. El Jane es perfecto, gracias a sus raíces. ¿Sabes cómo es? El rey de la selva. Ando con mi león. Yeah, babes came to pick up the dress. How could I even forget the color theme of the party? I even bought a matching bikini. अरे क्या सही बात बोली है, क्या जबर की खूबसूरत भी लग रही है अंग्रेजी में पतिया के। Hey, what are you looking at? कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? अच्छा बोली ना कुछ? हाँ चलो यहाँ से, चलो चलिए। अरे चलो। क्या मम्मी, इतनी तबीयत खराब हो रही है ना, आप रहने दो, किरण दीदी संभाल लेगी। किरण दीदी! अरे बेटा आपके फ्यूचर का सवाल है ना, बस दो मिनट का काम बचा है, आप जाओ तैयार हो। क्या फ्यूचर होता है? अरे हाँ जो भी होता है, चलो जल्दी जाओ तैयार हो के आओ, आ रहे हैं हम। ये तो अभी भी अचार पापड़ के जमाने में ही जी रहे हैं, तिलगुड़ कौन रखता है किटी पार्टी में? So old fashioned ना मम्मी। और वो क्रॉकरी देखो जरा, चांदी चौक का माल लग रहा है पूरा पूरा। So cheap। हर चीज से अचार पापड़ की स्मेल आ रही है। रीमा कैसी हो? हेलो जज बिटिया। जज नहीं, जैज है वो। हाँ जैज जैज। वो मैं क्या कह रही थी, जैज बिटिया तो अपनी वो इंग्लिश के ट्यूशन में जाती है ना। हाँ तो अपने गुट्टू की भी बात करो ना। अरे सरिता तू क्या इंग्लिश विंग्लिश के चक्कर में पड़ रही है, तू ये अपना अचार पापड़ का धंधा करके खुश रहे ना। हाँ वो सब तो ठीक है, वो हमारी अम्मा के यहाँ से ना दो बड़े बड़े डब्बे भर के आए हैं अचारों पापड़ के, तुम कहो तो तुम्हारे घर भिजवा दो। हाँ भिजवा देना। वो क्या गुड्डू, गुड्डू क्या नाम है तेरी बेटी का? मैं अभी बात करती हूँ ना। हाँ रुको दो मिनट। मैंने बात कर ली है, नाइट शूटर के पास चले जाना अपनी बेटी को लेके कल, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा रीमा। क्या गवार औरत है यार, इंग्लिश का एक वर्ड बोलना नहीं आता, वो इंग्लिश सिखाएगी अपनी बेटी को बताओ। सीरियसली यार, वो साड़ी देखी थी उसकी, उसके पास फुल स्लीव्स का स्वेटर, ऊपर से कलर्स। ओह माय गॉड। अच्छा 10 लाख रुपए लिए आपने? हाँ गांव का पूरा जमीन बेच दिए हम। चलो चलो अगर उसको मुंह बंद करो, आपको पता चुड़ैल रीमा आपके बारे में क्या क्या बोल रही है। तो चुप रहे, कैसी बातें कर रही है, मेहमान है वो, भूल चूक माफ कर। जा कोला पी तुम, जा। क्या मम्मी आप भी ना। जा कोला पी को। हाँ जी बहन जी क्या कह रही थी? अरे मम्मी क्यों लेके जा रही हो ये इतना सामान? अरे रीमा ने तो अपना काम कर दिया, अब करेगा हमारा अचार पापड़ का जादू काम। अरे मम्मी पहले एडमिशन तो होने दो। बेटा शुभ शुभ बोल, माता रानी की कृपा से ना इस बार सब कुछ हो जाना है। देखते हैं चलो। जस्टिफाई द रोल ऑफ जॉब रेगुलेशन। नमस्ते सर। वो रीमा जी ने बफर किया था। सर नहीं आंटी जी, रेफर रेफर। आंटी नहीं भाभी। भाभी भाभी जी, ये खुशबू, खुशबू किस चीज की है? 50 साल पुरानी रेसिपी है, अपने हाथों से बनाए हैं ये अचार पापड़। क्या क्या बात है, मजा। वो अंग्रेजी क्लास में एडमिशन कराना था बिटिया का। हो गया एडमिशन हो गया। चलो फिर तो आना जाना लगा ही रहेगा, अब रिश्तेदारी सी हो जाएगी। You can start with this, my dear.
Very good morning to everyone. Today I welcome you all in this debate competition. Now I would like to invite all my students on the stage. Jazz, Guttu and Sheena. What is the most precious gift your mother gave to you? Actually, my mother got me iPad, that too of a 128 GB, and it has a cellular too. You know what? Last summer, my parents sponsored a trip to Europe to me for a worldwide exposure. Undivided attention. She was there when I needed her. Even with her chores, she made sure that she had time for me. Just for me. While she can use that time for socializing and for kitty parties. But no, she decided to give that time to me. She made sure that I attend the best coaching classes of English so that I have the best command over the language. I won't ever feel insecure and zoned out in front of someone. My mom is my superwoman. She wears the cape so bright, it makes me shine more brighter. तो कितना अच्छा बोली आज तो। अच्छा समझ आ गया आपको? हाँ हाँ सब समझ आ गया, लेकिन तू अगर समझा देती तो। क्या मम्मी आपका भी स्वैग है? बैग है? बैग तो हम लाए नहीं। बैग नहीं स्वैग है। ये तो उंगलियां होती हैं। इंग्लिश आपकी नीड हो सकती है बट नेसेसिटी नहीं है। अक्सर हम लोगों की ये भाषा ना आने पर उनका मजाक उड़ा देते हैं, उन पे जज कर देते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि क्या आप लोगों ने भी अंग्रेजी भाषा ना आने पर किसी का मजाक उड़ाया है। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।